नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस क्रिमिनल हाउस बर्गलर को अरेस्ट किया गया और उसके अरेस्ट होने के बाद प्रिलिमिनरी इंट्रोगेशन के मुताबिक और उसके पास से टोटल 53.4 तुलास गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट और अदर आर्टिकल्स का रिकवरी हुआ। ये सभी प्रॉपर्टी का वैल्यू 22 लाख रुपीज से ज्यादा का है। अक्यूज का नाम नेनावत विनोद कुमार एलियस अखिलेश कुमार। इसके अरेस्ट होने से लगभग 14 हाउस बर्गलरी केसेस का डिटेक्शन हुआ और इसमें टोटल जैसा कि आपने देखा गोल्ड ऑर्नामेंट वेट 53.4 तोलास का रिकवरी हुआ और उसके साथ में सिल्वर आइटम 1 kg, 4 लैपटॉप्स, 1 होंडा एक्टिवा, 1 सैमसंग, 1 सैमसंग टैब, टोटल वर्थ 22 लाख का रिकवरी हुआ। इसके अरेस्ट होने के बाद दो लोग जो अभी एब्सकॉन्डिंग हैं, उसमें एक मदन कुमार जो प्रॉपर्टी रिसीवर है और ये शमशेरगंज शालीमंडा का रहने वाला है और अभी फरार है। तीसरा नेहा ज्वेलर्स जो रिसीवर है सुभानपुरा वडोदरा का रहने वाला गुजरात स्टेट, ये भी अभी एब्सकॉन्डिंग है। इसके साथ जो टोटल रिकवरी हुआ 53.4 तुलास गोल्ड, लगभग 1 kg सिल्वर, 1 होंडा एक्टिवा बाइक, सैमसंग टेलीविजन 44 इंचेस, सैमसंग टैब, रेडो वॉच एंड नेट कैश 41,000। इसके अरेस्ट होने से टोटल हैदराबाद साइबराबाद राजकोंडा का 14 केसेस का डिटेक्शन हुआ, जिसमें कि रेन बाजार, वनस्थलीपुरम, घाट केसर, सैफाबाद, मीरपेट, एलबी नगर, बाला नगर, बंजारा हिल, घाट केसर, ये सब पुलिस स्टेशन का केस डिटेक्ट हुआ है। निनावत विनोद कुमार ओरिजिनली आमंगल मंडल रंगारेड्डी का रहने वाला है और ये बीटेक एपीएन इंजीनियरिंग कॉलेज इब्राहिमपट्टनम से करने के बाद इसको नौकरी नहीं मिली और ये गलत रास्ते पर चला गया। सोशल वाइसेस और इस तरह की चीज में ये जाने के बाद 2014 से लेकर 2018 तक लगभग 28 केसेस में इसका इन्वॉल्वमेंट रहा। इसीलिए 2015 में हैदराबाद पुलिस के तरफ से इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन पीडी एक्ट में भी रखा गया। पीडी एक्ट से निकलने के बाद ये दोबारा फिर क्राइम के रास्ते पे गया, जिसके कारण कि 2017 में सेकंड टाइम इसके ऊपर पीडी एक्ट लगाया गया। उसके बाद ये सितंबर 2018 में ये जब जेल से बाहर निकला उसके बाद फिर ये तीसरी बार क्राइम के लाइन में गया और लगभग 14 हाउस बर्गलरी हैदराबाद और राजकोंडा कमिश्नरेट में किया। आज हम लोग अब फिर इसके बाद इसके ऊपर तीसरी बार पीडी एक्ट लगाने का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे एडिशनल डीसीपी चैतन्य कुमार और उनके साथ कमिश्नर टास्क फोर्स के श्रीनिवास और उनकी पूरी टीम, पी आंजनेलू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रेन बाजार, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर पी रमेश, गोविंदु स्वामी जी, श्रीनिवास रेड्डी, सी वेंकटेश, एम श्रीनिवास, DSI of PS Rain Bazaar and the entire staff of East Zone Task Force and Rain Bazaar Police, ये लोग मिलकर इतना अच्छा काम किए। हमारी तरफ से इन सभी को हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू।